आप सभी को आज हम लोगों का NSS यूनिट TMBU की तरफ से जो है आज हम लोगों का प्लांटेशन का जो है आज हम लोग फिर से जैसे कल हम लोग जमा हुए थे प्लांटेशन के लिए आज हम लोग फिर से जमा हुए हैं और आज भी हमारे साथ यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज से हैं ठाकुर मृत्युंजय प्रताप सिंह और यहाँ पे है आपका नाम क्या हुआ अंशु। हाँ यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज से अंशु है और यहाँ पे सानू है और हम लोग अभी भी प्लांटेशन कर रहे हैं आपको जैसा कि हम दिखाते हैं अभी यहाँ पर हम लोगों का ये जो एरिया है अभी तक में टोटल जो है मोर देन 70 प्लांट हम लोग लगा चुके हैं जो कि अभी हम आपको अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ प्लांट यहाँ पे दिख रहा होगा और कुछ प्लांट हम लोग उस डायरेक्शन में भी लगाए हैं उधर वो दिख रहा होगा अभी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स जो है वो लगे हुए हैं प्लांट लगाने के लिए यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ जो NSS का जो मोटो है नॉट मी बट यू। साथ ही हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं और हम लोग सब ना सिर्फ इस पेड़ को लगाएंगे बल्कि हम लोगों ने जिम्मेदारी भी ली है कि हम लोग इस पेड़ का ख्याल रखेंगे। और अभी आप लोगों को और दिखा देते हैं यहाँ पे हमारे साथ जो है और भी वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं मृत्युंजय सिंह NSS ग्रुप लीडर मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर। तो आज हम लोग का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट द्वारा आज हम लोग 2-3 दिन से 5 जून से पर्यावरण दिवस के दिन से ही हम लोग प्लांटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग 5 जून से अभी तक में हम लोग 100 पौधे लगा चुके हैं जिसकी जिम्मेदारी रखवाली हम लोग खुद हर एक वॉलेंटियर्स लिए हैं। तो मैं बता दूं अभी इस काल में हम लोग को पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में प्लांट बहुत ही ज़रूरी है पौधा रोपना। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि एक पौधा आप जरूर लगाएं, चाहे वो एक मंथ में लगाए या एक साल में लगाए, लेकिन एक पौधा अवश्य लगाए। बिल्कुल सही बात आप बोले हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ये जो मैसेज हम लोगों का जाएगा वो सच में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। हाँ, जरूर पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। जैसा कि अभी मृत्युंजय जी ने कहा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बरकरार रखने के लिए प्लांटेशन का बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे यहाँ और पे। आपको मैं बता दूँ, देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन आप जब दूसरे के लिए जब जीना शुरू कीजिएगा तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो आप अपने लिए मत यानी जिए और दूसरे के लिए जीने की कोशिश करें और फिर बस यही कहूँगा कि एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। जब पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, कोई तरह का बीमारी नहीं होगा और ऑक्सीजन जो अभी इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है इसमें जो महत्व यानी जो ढेर सारी जो समस्याएं आ रही है बस यह पर्यावरण से रिलेटेड है। इसलिए आप लोग पौधा बस लगाएं और जी बहुत बढ़िया यहाँ पर मृत्युंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब आगे देखते हैं, अभी आपको हमारे और वॉलेंटियर से मिलवाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ BN कॉलेज से भी आए हुए हैं तो आपको अपने BN कॉलेज के सर से मिलवाते हैं। सर यहाँ पे हमारे साथ BN कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर हैं। सर आज का जो हम लोगों का प्लांटेशन प्रोग्राम हो रहा है सर, इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा, बच्चे लोग बढ़ चढ़ के जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के वॉलेंटियर्स आए और इन्होंने यहाँ पे कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं जो कि इस परिसर को स्पोर्ट्स परिसर को हरा भरा रखने में काफ़ी मदद करेगा। अभी का जो सिनेरियो है पॉल्यूशन लेवल इतना हाई होता जा रहा है खासकर भागलपुर जैसे डेंस सिटी में, तो यहाँ पर प्लांटेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो बच्चे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हाँ बोलो सर, एक चीज़ और है सर, यहाँ पे जैसा कि अभी जिम्मेदारी हम लोगों के द्वारा उठाया गया है वॉलंटियर्स के द्वारा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आप लोग सिर्फ जो है पब्लिसिटी के लिए या फिर मीडिया शोइंग के लिए जो है आप लोग प्लांट लगाते हैं लेकिन उसका केयर नहीं करते हैं, तो सर इसके बारे में भी सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर कुछ लोग ये मानना है कि शो ऑफ करने के लिए प्लांटेशन किया जाता है तो शो ऑफ करने के लिए भी क्रिएटिविटी कहाँ लोगों में है? शो ऑफ करने के लिए भी तो वो नहीं करते, शो ऑफ करते हुए भी अगर काम करेंगे। और स्पेशली हम यहाँ के भागलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी काम होता है ज़मीनी तौर पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि शो ऑफ के लिए होता है। और अगर शो ऑफ के लिए है फिर भी हम कहेंगे कि सारे लोग इनको अप्रिसिएट कीजिए ताकि ये लोग आगे बढ़ें और जब अप्रिसिएशन सब तरफ से मिलेगा तो ये लोग कुछ कर गुजरने के लिए आमादा होते हैं। अगर आप इस तरह की निगेटिविटी रखेंगे तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, नादान है,
ये डिस्करेज होंगे और लॉस होगा हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सर। ओके सर, अभी यहाँ पे हमारे साथ बीएन कॉलेज से वॉलंटियर्स आप अभिज्ञान जी हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे प्लांटेशन करके, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, ये देखिए प्लांटेशन वगैरह सभी को करना चाहिए और सिर्फ इसको प्लांट लगा के छोड़ देना ही नहीं चाहिए सबको, मतलब इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल में। और सही बात है कि शो ऑफ करने के लिए तो मतलब शो ऑफ करने के लिए कई लोग लगाते हैं, 5 तारीख को ही सभी पेड़ लगाते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई केयर नहीं होता, तो केयर करना भी ज़रूरी है जी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप कौन कौन सा प्लांट लगाए हैं आप? यहाँ पर हम लोग ने कचनार लगाया है, शीशम लगाया है और अशोक भी लगाया है। ओके जी, बढ़िया, आपका बहुत बहुत, आप लोग इसी तरह से आते रहिए। और अभी हम लोग जैसा कि हम लोगों का मिशन चल रहा है प्लांटेशन का, पौधा लगाओ और पौधा पालो, तो हम लोग जो बीसी मैम का जो आदेश है हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करते हुए अपना काम करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जी। बिल्कुल।